हर गरीब वर्ग की आवाज श्री राहुल गांधी बनकर उभरे। उन्होंने श्री राहुल गांधी ने पूरे देश में भय व हिंसा के वातावरण के खिलाफ निरंतर आवाज उठाई। यह सारे मुद्दे आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले थे। श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को एक नई ऊर्जा, नई दिशा और आधुनिकता की तरफ एक नए कदम बढ़ाते हुए अग्रसर किया। श्री राहुल गांधी समाज के हर गरीब के लिए, हर वंचित के लिए, शोषित के लिए, समाज के हर उस तबके के लिए जो सरकार की विषमताओं का शिकार हुआ और कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरे। श्री राहुल गांधी जी ने नफरत, संकीर्णता, असंवेदनशीलता और विभाजन के माहौल के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी। श्री राहुल गांधी जी ने राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का एक नया मापदंड निर्धारित करते हुए 2019 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हार के लिए स्वयं जिम्मेवारी ली। कांग्रेस कार्यसमिति ने श्री राहुल गांधी जी की हिम्मत, उनकी विश्वसनीयता और सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही निश्चित करने की उनकी कटिबद्धता, उसकी प्रशंसा भी की और उसका अनुमोदन भी किया। कांग्रेस कार्यसमिति ने श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए कहा कि उनका नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग और उनका समर्थन लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को मिलता रहेगा। दूसरा प्रस्ताव जो सर्वसम्मति से पारित हुआ और जो आदरणीय महासचिव जी ने पढ़कर बताया, कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिवगणों, पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों, उन सब के विचार आज पूरा दिन अलग अलग 5 सब ग्रुप्स में जाने। उनके विचारों के अनुरूप जो सर्वसम्मति से थे और पूरी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की अनुपालना के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने यह प्रस्ताव पारित किया कि पार्टी के हर नेता और हर प्रतिनिधि की यह इच्छा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर श्री राहुल गांधी अपनी सेवाएं देते रहें और अपने पद पर बने रहें। कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को यह अनुरोध किया कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें और अब कांग्रेस अध्यक्ष के अपने पद पर बने रहें। परंतु श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं के इस अनुरोध को बड़ी विनम्रता और सादर से ठुकराते हुए ये कहा कि वो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु उनका ये मानना है कि जवाबदेही और जिम्मेवारी की पहली कड़ी उनसे शुरू होनी चाहिए। उनके इस आग्रह के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने एक स्वर से यह निर्णय लिया कि श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का इंटरिम पद संभालें जब तक कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में एक रेगुलर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। कांग्रेस कार्य समिति की इस अनुरोध को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने स्वीकार किया। कांग्रेस कार्य समिति ने चिंता जताई कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर से क्लैंपडाउन और न्यूज ब्लैकआउट की रिपोर्ट आ रही हैं, उनके बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। कांग्रेस कार्य समिति ने इस पर भी चिंता जताई
कि जम्मू कश्मीर के सभी पार्टियों के राजनीतिक नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस कार्यसमिति ने देश की सरकार से आग्रह किया कि वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हुए सभी विपक्षी दलों के एक साझा डेलीगेशन को जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत दें। आदरणीय मित्र, कांग्रेस कार्यसमिति का गठन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में हुआ। कांग्रेस कार्यसमिति आज भी एक चुनी हुई बॉडी के तौर पर काम कर रही है, इसलिए इस समय उसके भंग होने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने पिछले दो महीने में नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने लंबी मंत्रणा की, कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के विचारों को जाना। आज भी कांग्रेस कार्यसमिति ने पूरा दिन हर प्रांत के प्रतिनिधियों से, विधायक दल के नेताओं से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणों से, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव गणों से, पार्टी के महासचिव गणों से, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से और प्रदेश के नेताओं से फिर मंत्रणा की। और उस मंत्रणा के बाद जो विचार सामने आया वो हमने प्रस्ताव में आपके समक्ष रखा। एक मत से विचार यह था कि श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहें। जब बड़ी विनम्रता से श्री राहुल गांधी जी ने इसे नहीं स्वीकारा तो कांग्रेस कार्यसमिति और कांग्रेस जनों को यह लगा कि आज जब देश एक बहुत विकट परिस्थिति से निकल रहा है, आज जब देश और कांग्रेस पार्टी दोनों उनको बतौर एक जिम्मेवार विपक्ष के सरकार की जवाबदेही संसद के अंदर और संसद के बाहर सुनिश्चित करनी है, तो उस अंतरिम कार्यकाल में जब तक रेगुलर कांग्रेस अध्यक्ष का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में चुनाव नहीं हो जाता, सबसे उपयुक्त तजर्बेकार और टेस्टेड लीडरशिप श्रीमती सोनिया गांधी जी की है। और कृपया करके हमें यह अख्तियार हमसे मत छीनिए आप कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन हो जो कांग्रेस पार्टी को इस मुश्किल घड़ी में और विपक्ष की सबसे दमदार आवाज बनकर उभर पाए। इसीलिए कांग्रेस कार्यसमिति ने निर्णय किया कि वो आवाज श्रीमती सोनिया गांधी जी की है, जिनको संपूर्ण तजर्बा भी है और जिनका नेतृत्व की तरफ हम समय समय पर सदैव देखते रहे हैं। आदरणीय मित्र, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस अध्यक्ष से मंत्रणा कर कभी भी बुला सकते हैं। जहां तक आपने एक प्रश्न पूछा, कई कई चीजें मैंने जो प्रस्ताव पारित किया वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके समक्ष रखा। किसने वहां क्या कहा, कुछ बातें हमारी इंटरनल डेलिब्रेशन का हिस्सा है, उस पर अभी टिप्पणी करना अनुचित होगा। धन्यवाद। बहुत सारे सुझाव आए, जैसा मैंने अनुरोध किया वो हमारी आंतरिक मंत्रणा का हिस्सा है। द रेजोल्यूशन विल बी ऑन योर ईमेल।